शनिवार की दोपहर कोतवाली सिधौली में संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा था। इसी बीच सीतापुर के पुलिस कप्तान घोले सुशील चंद्रभान कोतवाली आधम के कप्तान को देखकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। आनंद फानन में सभी पुलिसकर्मी सावधान मुद्रा में आ गए। एसपी ने कोतवाली पहुंचकर संपूर्ण समाधान दिवस में चल रही सुनवाई और आने वाले फरियादियों की शिकायतों को लेकर जानकारी की। इसके बाद कोतवाली का निरीक्षण किया। आइए आपको बता देते हैं कि कप्तान ने निरीक्षण के दौरान क्या क्या देखा और इसके बाद जिम्मेदारों को व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए क्या आदेश दिए। दरअसल एसपी घोले सुशील चंद्रभान ने कोतवाली परिसर से लेकर बंदी गृह, लेखागार, आवास, कंप्यूटर कक्ष, शौचालय, मलखाने आदि की बारीकी से निरीक्षण किया। दस्तावेजों के रखरखाव और रजिस्टर देखकर वो संतुष्ट हुए, लेकिन फिर भी सभी सुधार की बात कही। इंस्पेक्टर आरके सिंह को कोतवाली की रंगाई पुताई और साफ सफाई और ध्यान देने के आदेश दिए। इस दौरान कोतवाली परिसर में पहुंची फरियादी विकास खंड कसमंडा की ग्राम पंचायत फूलपुर की प्रधान रीता देवी ने थाना मानपुर पुलिस की कार्यशैली को लेकर शिकायत की। प्रधान की बात सुनने के बाद एसपी ने उनके पत्र को ये कहते हुए अपने पास ले लिया कि वो मामले में जाँच करा कर कार्यवाही करेंगे। वो धमकी देते हैं रोज। थाना कौन सा है आपका? मानपुर थाना पड़ता है। आपने कमलापुर लिखा है? इसका ग्राम पंचायत फूलपुर कहाँ पड़ती है? थाना सर मानपुर है। थाना मानपुर, हाँ सर। तो ये हम ले जाते हैं साथ में, ये आप बताइए। ठीक है, ये इनका है, ये हम ले जा रहे हैं। साहब हमारे कागज पत्र। कप्तान ने करीब एक घंटे का कोतवाली का निरीक्षण किया। इसके बाद वो कोतवाली से जाने लगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। आप भी सुनिए क्या कहा सीतापुर के एसपी घोले सुशील चंद्रभान ने। देखिए, आज थाना दिवस यहाँ पे आयोजित हुआ था, उसमें मैं आया था। इसके साथ ही यहाँ पे थाने का निरीक्षण भी किया गया। तो ज़्यादातर मुझे इनके रजिस्टर्स वगैरह कम्प्लीट मिले, बहुत अच्छे हालत में मिले। मुझे लगता है जो हेडमोरर है वो एक साल से लगभग देख रहे हैं, तो उन्होंने रजिस्टर्स मेंटेन किए हैं, परंतु कुछ दो चार रजिस्टर्स कम थे, उनको बताया गया है वो अगले गुरुवार तक ये कंप्लीट करा लेंगे। सब इंस्पेक्टर्स के पास में जो काम था ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट है। एक दो सब इंस्पेक्टर्स के पास कुछ कुछ चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई, उनको भी अगले गुरुवार तक ये कंप्लीट करने के लिए समय दिया। थाना परिसर को भी मैंने देखा है और उसके संबंध में भी कुछ निर्देश दिए हैं, उनको कंप्लीट किया जाएगा। ओवरऑल चीज़ें अच्छी है और सुधार की जो गुंजाइश है हर काम में रहती है, और यहाँ पर भी उसकी गुंजाइश है बताया गया है, और उसमें ज़रूर मुझे विश्वास है कि थाना प्रभारी और जो सीईओ है उसको और बेहतर करें। उसमें देखिए टीम लगी हुई है और जो सीईओ सिदोली है वो खुद उसको देखे हैं, वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की भी टीम काम कर रही है, जल्दी उसको मिल सकते हैं। कहाँ रहती हो? मैं हरबंश बाबर में रही थी। 5 बीघा में एक फूल गिरा है, बरगद का, वही हम कहते। बच्चे हैं? बच्चे से हम सबसे मतलब भैया हम हो तीन चार दरोगार हैं। हजूरपुर माटे हजूरपुर से बदली है तो मौर्य नगर का मटर पटे की सेवा होती है। गोंडा बहराई थोड़ा इतना दूर आ गए हमारे नहीं का है, ये टोपी पर आवा कर। किसके नाम पे? पंकज कल सर्विस किसकी जो गाड़ी खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।